हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद जे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड के बारे में। जी हाँ, ये उत्तराखंड के इतिहास में दो ऐसे काले दिन के नाम से जाने जाते हैं जिनको याद करके आज भी लोगों के दिल सहम जाते हैं। बात करते हैं कि खटीमा गोलीकांड और मसूरी गोलीकांड होने का कारण क्या था। सबसे पहले बात आती है 1994 की, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। किसकी? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 27% आरक्षण, 27% आरक्षण किसके लिए कर दिया था? सभी जगह ओबीसी के लिए कर दिया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर क्या हुआ, इस जब ये 27% आरक्षण कर दिया तो उसके विरोध में उत्तराखंड के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और ये जो विरोध था आरक्षण के लिए था, और ये देखते देखते आरक्षण का जो विरोध था कब उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में पृथक करने के लिए एक आंदोलन में बदल गया था। और उसी बीच मुलायम सिंह यादव का एक बयान आया। बयान ये था कि पहाड़ पहाड़ ने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ एक विधानसभा सीट के अलावा और दिया ही क्या है। फिर इस बयान के बाद तो जो आंदोलन था वो और जोरों शोरों पर चढ़ चुका था एकदम। फिर बात आती है कि खटीमा गोलीकांड कब, कैसे और क्यों हुआ था। ठीक है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था भाई? 1 सितंबर 1994 को हुआ था, उद्धम सिंह नगर जिले के खटीमा में हुआ था। खटीमा गोलीकांड के अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? मसूरी गोलीकांड हुआ था। हुआ ये था कि जब खटीमा में लोग आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे तो यहाँ से खटीमा से वो जा रहे थे सितारगंज की तरफ। कहाँ जा रहे थे? सितारगंज की तरफ जा रहे थे। तो वहां जब वो सितारगंज पहुंचे तो पुलिस ने क्या करा था, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर क्या कर दिया, आंसू गैस के गोले बरसाए। फिर लगातार 60 राउंड गोली फायरिंग करी, जिसमें से हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे शहीद हो गए थे, कुछ आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, बहुत सारे लोगों को चोट भी पहुंची थी। फिर ये जो मसूरी, ये जो खटीमा कांड हुआ था, इसके विरोध में अगले ही दिन 2 सितंबर को लोग मसूरी में इकट्ठा हो गए थे इसके विरोध में, और बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था। वहां पर भी पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए बिल्कुल बेरहमी से लोगों पर गोली बरसा दी थी। और दो बहनें जो थाने में बात करने गई थी उन्हें भी वहीं पर गोली मार दी थी। इसके बाद ये जो आंदोलन था बहुत ही उग्र हो गया था। तो ये जो 2 दिन है, ये खटीमा गोलीकांड और मसूरी गोलीकांड के नाम से जाने जाते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। कहाँ हुआ था? उद्धम सिंह नगर जिले के खटीमा में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, तो मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। कुछ और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, उत्तराखंड में पृथक राज्य के लिए आवाज सर्वप्रथम, देखिए ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के बाद ही उत्तराखंड के लिए आवाज उठी थी। सबसे पहले देखिए क्या होता, उत्तराखंड में पृथक राज्य के लिए आवाज सर्वप्रथम 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि सर्वप्रथम उत्तराखंड को पृथक राज्य के रूप में अलग करने के लिए आवाज कब उठाई गई थी, तो ये हो जाएगा 5 से 6 मई को। कब हुई थी? 1938 को। और कब हुई, कहाँ हुई थी? ये श्रीनगर में। और किस अधिवेशन में हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। लेकिन कई वर्षों के अथक परिश्रम व बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तरांचल, जिसे वर्तमान हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, राज्य की स्थापना हुई, जिसके लिए अनेकों आंदोलनकारी आंदोलन हुए और अनेकों लोगों को अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़ा। उनके बलिदानों को हम भूल नहीं सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, खटीमा गोलीकांड में शहीद आंदोलनकारी, ये कुछ नाम हैं जो शहीद हुए थे, और कुछ तो ऐसे हैं जो नाम जिनके पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की क्या हुए थे, बहुत लोग इसमें शहीद हुए थे। चलिए जो जो हैं उनके नाम देख सकते हो आप, ये नीचे हैं। पहले हैं अमर शहीद स्वर्गीय भगवान सिंह सिरोला, अमर शहीद स्वर्गीय प्रताप सिंह, तीसरे हैं अमर शहीद स्वर्गीय सलीम अहमद,
चौथे हैं अमर शहीद स्वर्गीय गोपीचंद, पांचवे हैं अमर शहीद स्वर्गीय धर्मानंद भट्ट, छठे हैं अमर शहीद स्वर्गीय परमजीत सिंह, सातवें हैं स्वर्गीय रामपाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मसूरी गोलीकांड के बारे में भी, मसूरी गोलीकांड की घटना ये तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, कब हुई थी, 2 सितंबर 1994 को हुई थी, देहरादून के जिले के मसूरी में हुई थी। खटीमा गोलीकांड के ही प्रतिफल, मतलब जैसे ही ये खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर को, उसके अगले दिन ही क्या हुआ था, 2 सितंबर को क्या हो गया था, मसूरी गोलीकांड हुआ था। मसूरी गोलीकांड की घटना खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 के दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हुई। इस घटना में भी पुलिस ने खटीमा गोलीकांड की तरह अपनी बर्बरता का परिचय दिया। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में खटीमा गोलीकांड के विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग एकत्रित हुए, जो शांतिपूर्ण तरीके से खटीमा गोलीकांड का विरोध कर रहे थे। प्रशासन से बातचीत करने गई 2 सगी बहनों को पुलिस ने क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। देखिए कितना ही, मतलब पुलिस ने उस टाइम बिल्कुल बेरहमी से लोगों के साथ पेश आई थी। ये मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए कुछ आंदोलनकारी हैं, अमर शहीद स्वर्गीय बेलमती चौहान, अमर शहीद स्वर्गीय हंसा धनई, अमर शहीद स्वर्गीय बलवीर सिंह, अमर शहीद स्वर्गीय धनपत सिंह, अमर शहीद स्वर्गीय मदन मोहन ममगई, अमर शहीद स्वर्गीय राय सिंह बगारी। इन 2 घटनाओं ने देश के सम्मुख उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मुहिम में आग में घी डालने का काम कर दिया था। ठीक है, इन घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक काफी जनसभाएं आयोजित हुई। इन शहीदों के लहू से आज ही उत्तराखंड को एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये इसलिए क्या है, मसूरी गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड उत्तराखंड के इतिहास में एक काले दिन के रूप में भी मानी जाती है। मानी क्या, बिल्कुल काले दिन का रूप ही है वो। और लेकिन इन 2 घटनाओं ने क्या करा था, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए, सच में आग में जो घी डालने का काम किया था, इन 2 घटनाओं ने ही किया था। इसके बाद एक और रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, वो भी 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। जब क्या हो रही थी, उत्तराखंड से पूरी एक बस भर के कहाँ जा रही थी, दिल्ली के लिए जा रही थी। उन्हें रास्ते में ही वहाँ मुजफ्फरनगर में रोककर वहाँ पर उन पे भी बेरहमी से गोलियां बरसा दी गई थी, और जो स्त्रियां थी उनके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया था। मतलब देख सकते हो आप कितना, मतलब हमारे उत्तराखंड के शहीदों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी जानें गंवाई, उन सब के लिए बिल्कुल जय उत्तराखंड बनता है। ये देखें तो यार, मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो। आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्या आपको इस जानकारी के बारे में पता था, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। हम यहाँ पर उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, उत्तराखंड के अन्य एग्जाम्स के लिए भी हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चैनल को यार गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।